हेलो दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण यानी एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल से संबंधित प्रमेय पर चर्चा की। आज हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। चलिए शुरुआत हम पहले प्रश्न से करते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, जिसमें कोण MLN का माप 30 अंश है, तो कोण MON का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह दोनों कोण MLN और कोण MON एक ही चाप MN द्वारा बने हैं, परंतु कोण MON केंद्र O पर अंतरित कोण है और कोण MLN वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु L पर अंतरित है। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। इसीलिए कोण MON कोण MLN का दोगुना होगा। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब समीकरण में कोण MLN का माप रख हमें कोण MON बराबर 60 अंश प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकृति में O केंद्र वाले वृत्त में जिसका व्यास AD है और कोण BOD का माप 120 अंश है और कोण CAD का माप 60 अंश है, तो कोण ECD, कोण AEC और कोण CDA का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। कोण BCD और कोण BOD एक ही चाप BD द्वारा अंतरित कोण है। BOD केंद्र पर अंतरित कोण है और कोण BCD वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु C पर अंतरित कोण है। और हम जानते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। इसलिए कोण BOD का माप दोगुना होगा कोण BCD के माप के, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें कोण BOD का माप दिया गया है। यहाँ हम कोण BOD का माप रखकर कोण BCD का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें कोण BCD का माप 60 अंश मिला। इसीलिए कोण ECD भी 60 अंश का होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आप आकृति में देख सकते हैं कोण ACD व्यास AD द्वारा बिंदु C पर अंतरित कोण है। इसीलिए कोण ACD का माप 90 अंश होगा। यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें यहाँ दोनों कोण ACD और कोण ECD ज्ञात हैं। इनके माप इसमें रखकर हम कोण ACE का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें कोण ACE का माप 30 अंश प्राप्त हुआ। दोस्तों, क्यों ना वीडियो पॉज कर आप स्वयं ही कोण AEC का माप ज्ञात करें। इस त्रिभुज AEC को देखिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसीलिए हम इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें इन दोनों कोणों का माप ज्ञात है। आपको कोण AEC का माप 90 अंश प्राप्त होगा। अब हमें कोण CDA का माप ज्ञात करना है। हमें त्रिभुज ACD में कोण CAD का माप दिया गया है और कोण ACD का माप हमने ज्ञात किया है। त्रिभुज के कोण योग गुण द्वारा हमें यह समीकरण मिलेगा। कोण CAD और कोण ACD
का माप रखकर हम कोण CDA का माप ज्ञात कर सकते हैं। हमें कोण CDA का माप 30 अंश प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने इन तीनों कोणों का माप ज्ञात किया। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण यानी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।